तो देखिए हम लोग का जो नया टॉपिक है वो हाइड्रोलिक लाइन्स है। हालांकि जो टाइप्स ऑफ फ्लो हो चुका है उसके बाद ये हमारा हाइड्रोलिक लाइन्स आता है। क्या होती है मैं आपको बता दूं। देखिए फ्लो फील्ड को या फ्लूड फ्लो की स्टडी को आसान बनाने के लिए कुछ लाइन्स खींची जाती है। इनमें से कुछ लाइन्स इमेजिनरी होती है, कुछ रियल भी होती हैं। तो हाइड्रोलिक लाइन्स हमारी तीन तरह की होती है। सबसे पहली लाइन को बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम लाइन। ध्यान रखना स्ट्रीम है, कई सारे लोग इसको कंफ्यूज हो जाते, समझते स्टीम है, स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम लाइन। दूसरी है पाथ लाइन और तीसरी है स्ट्रीट लाइन। अच्छा ये जो तीसरा नंबर है स्ट्रीट STREAK, इसी को एक और नाम से भी जानते हैं, इसी को बोला जाता है फिलामेंट लाइन। तो ध्यान रखना इसी का नाम होता है फिलामेंट लाइन। ठीक, तो आप सबको पता होगी कि हाइड्रोलिक लाइन्स तीन तरह की होती है, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीट लाइन। तो हम लोग बारी बारी एक एक लाइन को समझेंगे, देखेंगे कौन सी लाइन में क्या क्या प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की पहली हेडिंग जिसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। अब सुनो बड़े ध्यान से स्ट्रीम लाइंस क्या होती है। देखिए जब भी कभी हमें किसी के फ्लो को आसान बनाना होता है तो कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची जाती है। जैसे कि आप लोग इंटर में जब थे तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ी होंगी, वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पढ़ी होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी होंगी। हर एक बल रेखा की जो परिभाषा होती है वो सेम होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर परिभाषा याद हो आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परिभाषा ये होती है कि आप कह सकते हो कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिस पर एक ऐसी लाइंस खींची जाती है, एक इमेजिनरी लाइंस खींची जाती है जिस पर खींची गई टेंजेंट वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यही होती है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिस पर खींची गई टेंजेंट कह सकते हो मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना कह सकते हो कि ये काम होता है हमारे इन इमेजिनरी लाइंस का। उसी तरीके की सेम डेफिनेशन हमारे पास स्ट्रीम लाइन की भी होती है। अब सुनो जरा ध्यान से स्ट्रीम लाइन क्या होती है। जैसे कि मैंने मान लीजिए कोई एक इमेजिनरी स्ट्रीम लाइन खींची, ये मेरे पास कोई भी एक इमेजिनरी स्ट्रीम लाइन है, इमेजिनरी स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन हमेशा इमेजिनरी होती है। तो स्ट्रीम लाइन की परिभाषा ये होती है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो फील्ड में खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है। स्ट्रीम लाइन फ्लो फील्ड में खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर फ्लूड पार्टिकल के वेलोसिटी की दिशा को बताती है। ध्यान रखना वेलोसिटी की दिशा को बताती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी उसका मान नहीं बताती है, केवल वेलोसिटी की दिशा बताती है। तो ये जो मुझे पता चले रहा है ये एक्चुअली में वेलोसिटी की दिशा पता चलेगी, ये भी ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन्स खींची इस लाइन्स को ही बोलते हैं कि ये मेरी कहलाएगी स्ट्रीम लाइन। तो ये जो लाइन मैंने खींची है इमेजिनरी लाइन यही मेरी स्ट्रीम लाइन है। ठीक है फिर से डेफिनेशन सुनना, स्ट्रीम लाइन किसी फ्लो फील्ड में खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, या टेंजेंट उस बिंदु पर आप कह सकते हो वेलोसिटी की दिशा, फ्लूड पार्टिकल के वेलोसिटी की दिशा बताएगी। तो फ्लूड पार्टिकल के वेलोसिटी की दिशा बताने वाली जो लाइन होगी वो कह सकते हो हमारी स्ट्रीम लाइन कहलाएगी। ठीक है तो ये मेरी डेफिनेशन स्ट्रीम लाइन की होती है। काफी इंपॉर्टेंट होती है ये डेफिनेशन क्योंकि इसके आधार पर हम इसकी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व करते हैं। आप सब लोगों को मैं एक बात बताऊं, जब भी कभी हमें कह सकते हो फ्लो को दिखाना होता है ना तो वहां हम लोग कुछ लाइनें खींच देते हैं वो हमारी स्ट्रीम लाइन से होती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि जब भी कभी हम लोगों को कोई ऑर्फिस बनाना होता है, बाय द वे मान लीजिए ये मेरा रहा ऑर्फिस और इस ऑर्फिस से मुझे निकालना होता है कि फ्लूड पार्टिकल ऐसे बाहर जा रहा है ऐसे, तो जो लाइंस खींची जाती है यही मेरी लाइंस स्ट्रीम लाइंस होती हैं। ये स्ट्रीम लाइंस की मदद से ही किसी पॉइंट पर मैं वेलोसिटी की दिशा को बताते हैं। तो कह सकते हो स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी की दिशा को बताने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है। बस टेंजेंट खींचिए उस पॉइंट पे आपकी खींची गई टेंजेंट वेलोसिटी की दिशा बताएगी, उस लाइन को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। ठीक है तो डेफिनेशन हो चुकी है, आपका डायग्राम भी हो चुका है, लेकिन इस स्ट्रीम लाइंस के बारे में और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो बातें मैं आपको थोड़ा समझा दूं फिर वो बातें आपको पढ़ा दूंगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड छोटी छोटी जो बातें हैं आपके सामने वो इतनी सारी लिखी हुई है, ये है बातें स्ट्रीम लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में, ये आपकी बातें कुछ लिखी हैं। ये बातें ज्यादातर लोगों को पता होती हैं क्योंकि मैं मानता हूं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत जानते होंगे तभी वीडियो देख रहे हैं,
तभी समझ भी पाएंगे, ये भी बात सही है। तो आपको ये सब बातें पता होती, लेकिन मैं इन बातों को पहले से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही ये सब बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं इन बातों को एक्सप्लेन करना। सबसे पहला पॉइंट सुनिए, पहला पॉइंट ये है कि आपने सर अभी बताया कि स्ट्रीम लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके किसी पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट वेलोसिटी की दिशा बताएगी। अब एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी की दिशा यहां है तो मैं आपसे ये पूछूं कि स्ट्रीम लाइन के जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? तो कह सकते हो स्ट्रीम लाइन के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। आप सबको ये बात पता होगी कि एकदम हॉरिजॉन्टल अगर कोई लाइन है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। तो आप कह सकते हो कि स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो होता है। कई लोग इसको अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन कहते हैं। देखो भाई, ये हो गया अलोंग द स्ट्रीम लाइन और ये हो गया अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वेलोसिटी का अक्रॉस द कंपोनेंट, स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस वेलोसिटी का कंपोनेंट वो जीरो होता है। ठीक है, अच्छा अक्रॉस कोई कंपोनेंट नहीं उड़ रहा, अक्रॉस मतलब इसके परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट नहीं उड़ रहा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी दो स्ट्रीम लाइन के बीच, जैसे कि मैं कह दूं मेरे पास ये दो स्ट्रीम लाइन है, मेरे पास ये दो स्ट्रीम लाइन है और इन दो स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो होगा। तो इन दो स्ट्रीम लाइन के बीच होने वाला जो फ्लो होगा, होने वाला जो डिस्चार्ज होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो ध्यान रखना टिनी, दो स्ट्रीम लाइन के बीच होने वाला जो डिस्चार्ज होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, इसका मतलब परपेंडिकुलर कोई फ्लो ही नहीं है। और जब कोई फ्लो नहीं है तो जो इनके बीच फ्लो होगा वही हमारा हमेशा बना रहेगा, अर्थात डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा। हालांकि इसको प्रूफ भी मैं करूंगा, किस तरीके से प्रूफ करना है उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको डील करता चल रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी एक दो पॉइंट बताए, एक दो पॉइंट और बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको लिखवाना शुरू करूंगा। चलिए फिर, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सुनिए अगला पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यह है कि दो स्ट्रीम लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। ध्यान रखना, पहला पॉइंट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ये है कि दो स्ट्रीम लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों? जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ये पहली स्ट्रीम लाइन है और मैंने कहा ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है, ये स्ट्रीम लाइन नंबर वन, ये स्ट्रीम लाइन नंबर टू। अगर दोनों लाइन स्ट्रीम लाइन एक पॉइंट पे कट करती है तो ये जो कटान बिंदु आया, इस पॉइंट पर दो टेंजेंट खींची जा सकती है, एक पहली लाइन के, पहली स्ट्रीम लाइन के अलोंग और एक दूसरी स्ट्रीम लाइन के अलोंग, ऐसे दो टेंजेंट खींची जा सकती है। तो एक बात बताओ, ये जो फ्लूड पार्टिकल मैंने यहां कटान बिंदु पे लिया है, ये मेरा कोई फ्लूड पार्टिकल है, ये कोई फ्लूड पार्टिकल है। तो एक बात बताइए, कोई भी फ्लूड पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर, किसी एक क्षण पर एक ही दिशा में तो जा सकता है ना, दो दिशा में नहीं जा सकता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो दिशा पे यदि टच करेगी तो उसकी दो डायरेक्शन आएगी, और दो डायरेक्शन कोई भी फ्लूड पार्टिकल एक इंस्टेंट पर दो डायरेक्शन में नहीं जा सकता। इसी वजह से दो स्ट्रीम लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, ध्यान रखना। और कोई पूछे क्यों नहीं कट करती, तो आप कहोगे कटान बिंदु पर सर दो टेंजेंट खींचेगी और किसी एक फ्लूड पार्टिकल की पोजिशन किसी इंस्टेंट पर दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसका पहला पॉइंट था कि आपका दो स्ट्रीम लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ठीक है, ध्यान रखना ये इमेजिनरी लाइंस होती है, पहला पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। हाँ, तो अगले में मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका, कह सकते हो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी अभी आपको ये समझाया कि किसी दो स्ट्रीम लाइन कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती बताया। नेक्स्ट आइडिया ने मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, किसी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन कैसे बताएंगे, इक्वेशन कैसे बताएंगे स्ट्रीम लाइन की, वो भी देखिए इक्वेशन कैसे बताएंगे। जैसे कि मैं आपसे कह दूं मेरे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो मैंने इसको अपनी तरफ से एक्स एक्सिस कह दिया, इसको मैंने अपनी तरफ से वाई एक्सिस कह दिया, ध्यान देते रहना। और ये रहा मेरा ओरिजिन। अगर मैं इस पर कोई भी एक स्ट्रीम लाइन खींचूं, मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक स्ट्रीम लाइन है, कोई भी जनरली स्ट्रीम लाइन मान लीजिए, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि मैं उसी से फिर मानू स्ट्रीम लाइन, तो ये मेरी कोई स्ट्रीम लाइन है और स्ट्रीम लाइन के किसी पॉइंट पे मुझे बताना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां होगी। तो मान लीजिए लेट्स से मुझे इस पॉइंट पे बताना है वेलोसिटी की दिशा,
तो बताइए अरे इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी की दिशा बतानी है, तो इस पॉइंट पे कहूंगा वेलोसिटी की दिशा तो सर ऐसे आएगी कुछ इस प्रकार से, कैसे टेंजेंट। तो बताओ ये वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है, वी है, ध्यान देते रहे ना भाई, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है, ये एंगल मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि ये एंगल मेरा जो है वो थीटा है, तो जो स्मॉल एंगल बना इस एंगल को मैंने अपनी तरफ से क्या कह दिया, थीटा कह दिया। तो ये मैंने कोई एक स्ट्रीम लाइन खींची हुई है और इस स्ट्रीम लाइन पे मैंने किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी की दिशा बता दी कि सर वेलोसिटी की दिशा यहां होनी। तो एक बात बताइए इस वेलोसिटी की दिशा का हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने एंगल मान लिया टेन थीटा है। अब मैं चाहूं तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं, पहला कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, बड़े ही आराम से आप बता सकते हो कि ये दोनों कंपोनेंट के मान कितने होंगे। तो सबको बात पता है कि सर ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसका मान v cos थीटा होगा, और सर ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये लाइन जिसका मान कह सकते हो v sin थीटा होगा। ठीक है, तो मैंने इस v के दो कंपोनेंट कर दिए, एक v cos थीटा कर दिया, दूसरा v sin थीटा कर दिया है। तो अगर इस छोटे से त्रिभुज में मैं आपसे कहूं कि जरा सर tan थीटा लगा के दिखाइए tan थीटा कितना आएगा, तो कहोगे tan थीटा सर जो आ जाएगा वो लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो जाएगा v sin थीटा, v sin थीटा। अच्छा, आगे चल के एक बात आपको और पता चलेगी, वो मैं आपको पहले से ही बात बता दूं कि जो वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, जिसको मैं v sin थीटा कह रहा हूं, इसको अपनी तरफ से मैं u भी मान लेता हूं। ध्यान रखना, अपनी तरफ से u, u इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी मैंने आपको दिखाई है एक्चुअली में ये आपकी कैपिटल v होती है। इस वेलोसिटी को बोला जाता है कि सर ये मेरी कैपिटल वेलोसिटी है, कैपिटल v वेलोसिटी है। लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आती है वो u कहलाती है, और वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आएगी उसको मैं अपनी तरफ से स्मॉल v कहूंगा। तो स्मॉल u स्मॉल v, तो लिख भी देते हैं कि स्मॉल u क्या है। तो स्मॉल u इज द कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, नेट वेलोसिटी, ऑफ नेट वेलोसिटी, ये भी ध्यान रखना। और स्मॉल v क्या है, तो स्मॉल v तो बोला जाता है सर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नेट वेलोसिटी। इसी तरीके से एक और कंपोनेंट आता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब यहां एक्स डायरेक्शन में है, तो चाहो तो कुछ लोग इसको एक्स डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है। और ये जो आपका वी है इसको आप लोग वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, वाई डायरेक्शन का। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और कंपोनेंट भी आता है, उसको मैं डब्ल्यू बोलता हूं। तो जो डब्ल्यू आता है उसको बोला जाता है वेलोसिटी का जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट। ठीक है, तो आप सब लोगों को यह बात पता होना चाहिए कि u हमारा x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, v y कंपोनेंट है w, इसलिए मैंने इसको u और v कह दिया। ठीक, तो चलो फिर tan थीटा लगा देते हैं। तो आप सबको पता है कि अगर tan थीटा लगाया जाए तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा एक प्रकार से कह सकते हो दिस वेलोसिटी, जिसको मैं वर्टिकल वेलोसिटी या वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी v कह सकते हैं, और आधार हो जाएगा स्मॉल u x डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर v अपॉन u आ गया। अब एक बात बताओ, tan थीटा किसी भी कर्व की स्लोप भी तो होती है tan थीटा, तो गलत नहीं होगा अगर मैं अपनी तरफ से इस tan थीटा को dy अपॉन dx लिख दूं। तो ये मेरा जो tan थीटा है, इस tan थीटा को dy अपॉन dx लिख दिया जाए तो ये v बटे u आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहूं तो dx बटे u भी लिखा जा सकता है, इसी को dy बटे v भी लिखा जा सकता है। तो ये मेरी जो लाइन इक्वेशन बनी, ये एक प्रकार से इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन तो है, परंतु ध्यान रखना ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन 2D फ्लो के लिए होती है। तो 2D फ्लो के लिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन हो जाती है dx अपॉन u इक्वल टू dy अपॉन u v। लेकिन बट अगर यही इक्वेशन मुझसे 3D फ्लो के लिए पूछी जाती तो बिल्कुल सिमिलरली मैं क्या कर देता कि dx बटे u कर देता यहां, और dy बटे v कर देते हैं, और यहां पर कह सकते हो कि dz बटे w कर देते। तो ये जो इक्वेशन आती है ये इक्वेशन मेरे 3D फ्लो के लिए होती है, ये बात आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन 2D फ्लो फॉर 3D फ्लो, मैंने बताया कि dx dy dz हमारा पैरामीटर्स हैं,
और यू वी डब्ल्यू ये कह सकते हो कि वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन आप सब लोगों को पता होना चाहिए, इनका यूज आगे चल के स्ट्रीम फंक्शन को ज्ञात करने में भी करेंगे हम लोग। ठीक, या इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन को ज्ञात करने में करेंगे। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन भाई सबको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, अगली हेडिंग क्या है, डिस्चार्ज बिटवीन स्ट्रीम लाइन। डिस्चार्ज बिटवीन स्ट्रीम लाइन्स, मैंने बताया कि दो स्ट्रीम लाइन के बीच होने वाला डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन होता कितना है उस बात को भी हमें समझना है। तो समझिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास ये दो स्ट्रीम लाइन है, पहली स्ट्रीम लाइन, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन, ये दो स्ट्रीम लाइन है। हालांकि और भी बहुत सारी स्ट्रीम लाइन हो सकती है, बहुत सारी और भी स्ट्रीम लाइन हो सकती है, लेकिन मैं इन दोनों स्ट्रीम लाइन की बात करता हूं। पहली स्ट्रीम लाइन की जो इक्वेशन है उसको मैं साइन वन कह देता हूं, और दूसरे स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन को साइन टू कह सकता हूं। ये जो मैंने वर्ड लिखा ना साइन, साइन, इस साइन को बोला जाता भैया, ये साइन मेरा कहलाता है स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन। आगे चलते आप लोग इसको समझेंगे, पढ़ेंगे बड़े डिटेल में कि स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। फिलहाल बस इतना समझिए कि किसी स्ट्रीम लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, बस उसी को हम लोग स्ट्रीम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक हिंट दूं, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ, तो आप कहोगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये स्ट्रेट लाइन है, सही है, ये लाइन की इक्वेशन है। लेकिन मैं अगर इसको फंक्शन बनाना चाहूं, फंक्शन, तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, एक्स प्लस वाई 10 तो इधर लाते हैं माइनस 10, और इसको पूरा एफ एक्स के बराबर लिख देते हैं, या एफ एक्स और वाई दोनों में है तो एफ एक्स कॉमा वाई के बराबर लिख देते हैं, है ना। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। ठीक है, तो इक्वेशन तो वही है तो स्ट्रीम लाइन की, लेकिन जब फंक्शन के फॉर्म में दिया जाता है तो आप उसको बोलते हैं कि सर ये मेरा स्ट्रीम फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो मेरा ये कह सकते हो कि स्ट्रीम फंक्शन हो गया, ध्यान रखना। ठीक, तो ये मेरा स्ट्रीम फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया गया। तो मैं यहां पर जो प्रूफ करने जा रहा हूं, डिस्चार्ज बिटवीन स्ट्रीम लाइन है, मुझे समझना है कितना है। तो मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास दो स्ट्रीम लाइन साइन वन और साइन टू है, और इसके मैंने दो पॉइंट्स ले लिए हैं। तो मान लीजिए मेरे पास वो दो पॉइंट, एक पहला पॉइंट ये है वन, और एक दूसरा पॉइंट टू ये है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं डी वाई कह देता हूं, ये मेरी डिस्टेंस कितनी है, डी वाई है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताना है कि ये दो स्ट्रीम लाइन के बीच होने वाला डिस्चार्ज, होने वाला डिस्चार्ज क्यू, वो कांस्टेंट है कि नहीं, मुझे ये बताना है, और ये भी जानना है कि वो साइन वन और साइन टू के पदों में कितना आना चाहिए। ठीक, आगे बात सुनिए। तो मैं यहां पर एक स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन का, स्ट्रीम फंक्शन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाता हूं। आप सबको पता है कि जो स्ट्रीम फंक्शन साइन होता है वो एक्स और वाई दोनों में हो सकता है, एक्स और वाई दोनों में हो सकता है, बात मैं टू डी की करता हूं। तो एक्स और वाई मान लीजिए स्ट्रीम फंक्शन एक्स और वाई दोनों में हो सकता है, दोनों पर डिपेंड कर सकता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखा जाए, डिफरेंशियल फॉर्म, तो मेरे भाई देखो साइन जो है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो मैं अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखूं तो डिफरेंशियल फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा कि डी साइन, यानी साइन का डिफरेंशिएशन, लेकिन साइन तो दो पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है ना, तो कहोगे साइन का पहले एक्स के सापेक्ष पार्शियल इंटू एक्स का फुल, ये फॉर्मूला होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन बनाने का, कि अगर साइन का डिफरेंशिएशन निकालना है, फुल डिफरेंशिएशन निकालना है, मैट मीन डी करना है, तो साइन का पहले एक्स के सापेक्ष पार्शियल इंटू एक्स का फुल, अब देख सकते ये कट जाएगा और वही मात्रा का प्लस, और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो साइन का वाई के सापेक्ष पार्शियल, पार्शियल को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, कह सकते हो कि ये ऐसा डी से, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है आपका है। तो साइन का वाई के सापेक्ष पार्शियल इंटू वाई का फुल, तो आप ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो आपने फॉर्मूला बनाया ये मेरे साइन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए फिर अब आगे देखिए। आप सब लोग एक बात जानते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक छोटी सी बात है यहां पर अप्लाई होगी, कि आप लोग को यह पता है कि पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच की जो दूरी है आपने वो डीवाई मानी है, ये एक ही वर्टिकल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए जो तुम्हारा डीएक्स हो जाएगा सर वो जीरो हो जाएगा। तो मैं बड़े ही आराम से कह सकते हो कि इसका जो डीएक्स है उसको शुड बी इक्वल टू जीरो किया जा सकता है।
तो dx को मैं जीरो कर दूंगा, ठीक है। और जैसे मेरा यहां dx जीरो हो जाएगा और एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी साइन की, वो प्रॉपर्टी लगाकर आपको प्रूफ हो जाएगा। तो जरा ध्यान देना, तो कह सकते हो 4.1 and 2, जरा ध्यान दीजिए भाई सब लोग, 4.1 and 2, तो 1 एंड 2 के लिए आप कह सकते हो कि dx शुड बी इक्वल टू 0, लगा दीजिए dx 0, तो बताइए यहां कितना आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा d sin, ये dx 0 है, बराबर डेल sin अपॉन डेल y इंटू यहां पर ये dy, ठीक। अब यहां पर sin की मुझे एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, आप लोग को आगे चलते जब स्ट्रीम फंक्शन पढ़ाया जाएगा तो एक बात बताई जाएगी, क्या है वो बात, बात ही बताई जाएगी कि साइन का डिफरेंशिएशन जब एक्स के सापेक्ष होता है तो ये वेलोसिटी बराबर होती है वाई डायरेक्शन के, वाई डायरेक्शन के, और जब भी कभी साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है, विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी वाई डायरेक्शन सापेक्ष, तो ये वेलोसिटी माइनस यू के बराबर होती है, माइनस यू के बराबर होती है, ठीक है। तो आप सब लोग रोको, ये दो प्रॉपर्टी स्ट्रीम फंक्शन में जब पढ़ाया जाएगा, अभी आगे चलते जस्ट स्टे आ जाए तो बताई जाएगी, तो ये दो प्रॉपर्टी होती है कि साइन का जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पाया जाता है तो वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के बराबर होता है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई पाया जाता है तो वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के बराबर होता है, बट माइनस यू के बराबर होता है। माइनस क्यों आया ये भी आपको बताया जाएगा आगे चलते। तो आप अगर इस डेल साइन अपॉन डेल वाई का मान यहां पर माइनस यू रख देते हैं तो बड़े ही आराम से फिर हम आगे की बातों को प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए फिर वैल्यू एक बार पुट करा देते हैं, देखते हैं हमारा कितना मान आया। तो मान देख लीजिए एक बार क्या था, तो मान था हमारा कि d साइन बराबर डेल साइन अपॉन डेल वाई इंटू यहां था डी वाई, और मैंने अभी भी बताया कि ये जो डेल साइन अपॉन डेल वाई है वाई, तो ये तुम्हारा माइनस यू के बराबर है, तो माइनस यू इंटू डी वाई, क्लियर है। अच्छा सर माइनस यू क्या है या यू क्या है, यू सर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होता है, यू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होता है, तो एक्स डायरेक्शन डिस्चार्ज क्यों माना है, तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो जाएगी उसको मैं अपनी तरफ से यू मानूंगा, है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो यू मान लिया, तो क्या गलत नहीं होगा अगर मैं इसको डी साइन बराबर माइनस यू इंटू डी वाई इंटू वन कर दूं, ऐसा लिख दूं, ठीक है, देख सकते हैं। तो सर ये यू क्या है, यू टू बोला जा सकता है कि सर यू है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, डी वाई पॉइंटों के बीच की दूरी, और इंटू वन का मतलब ये अंदर वाली जो विड्थ है ये वन है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो पूरा पैरामीटर है ये यहां से लेकर यहां तक का पैरामीटर, ये पूरा पैरामीटर, इस पूरे पैरामीटर को मैं डी क्यू के बराबर कर सकता हूं। हालांकि ये जो डी क्यू है ये डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कहलाएगा क्योंकि यहां इंटू वन है, आप ऐसा समझिए एल डायग्राम से कि सर डी वाई इंटू यू लेकिन अंदर वाली वन, भाई डिस्चार्ज क्यू होता क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो एरिया डी वाई इंटू वन होगा ना, अंदर वाला वन, उसको विड्थ वन मान लिया और इंटू कह सकते वेलोसिटी, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर मैं इसको डी क्यू लिख दू और डी क्यू, लेकिन बट जो डी क्यू होगा वो डिस्चार्ज नहीं होगा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होगा, ठीक है। तो मैं अगर डी साइन बराबर माइनस डी क्यू कर दू और दोनों तरफ इंटीग्रेट करा दू, ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ इंटीग्रेट करा दू, तो जैसे ही मैं इंटीग्रेट कराऊंगा यहां पर तो यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन डी क्यू बराबर माइनस इंटीग्रेशन डी क्यू यहां पर डी साइन, तो वन से टू इंटीग्रेट करा दू, यहां भी वन से टू इंटीग्रेट करा दू, तो यहां जैसे ही इंटीग्रेट कराऊंगा तो यहां आ जाएगा साइन टू माइनस साइन वन, अब यहां भी इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, तो डी टू का इंटीग्रेशन होता है क्यू, लेकिन मैं कह दूं कि जो डिस्चार्ज स्टार्ट हो रहा है वो उसी बेस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं ऐसा कह दूं कि डिस्चार्ज यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तरफ डिस्चार्ज हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमें तो इनके बीच का डिस्चार्ज चाहिए ना, हमें दोनों स्ट्रीम लाइन के बीच का डिस्चार्ज चाहिए ना, तो एक टू जीरो मान लो, तो आप कह सकते हैं कि यहां क्यू माना जाएगा, तो यहां से पता चला कि क्यू बराबर जो आ जाएगा या क्यू बराबर हुआ जाएगा साइन वन माइनस साइन टू। अच्छा कई बार कुछ लोग इसमें मॉड लगा देते हैं, मॉड इसलिए लगा देते हैं कि आपका डिस्चार्ज यदि प्लस में आए चाहे माइनस में आए तो आप उसको प्लस में ही लीजिए, और प्लस में लेने का मतलब आप मॉड लगा दीजिए। तो ध्यान रखना किन्हीं दो स्ट्रीम लाइन के बीच, किन्हीं दो स्ट्रीम लाइन के बीच होने वाला जो डिस्चार्ज होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, और ये जो ट्यू है ये एक्चुअली में है डिस्चार्ज
पर यूनिट विड्थ, पर यूनिट विड्थ, क्लियर है? ठीक है, और डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कांस्टेंट होता है और उसका मान पूछा जाए कि बताओ जरा उसका मान है कितना, तो वो मान हम लोग स्ट्रीम फंक्शन साइन वन और साइन टू के अंतर से निकाला जा सकता है, स्ट्रीम फंक्शन साइन वन और साइन टू के अंतर से निकाला जा सकता है, लेकिन उसी पॉइंट पे साइन वन और साइन टू निकालना है। ठीक, तो ये बात आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं कह दूं कि याले पॉइंट पे साइन वन निकाल लेना और याले पॉइंट पे साइन टू निकाल लेना और दोनों का अंतर ले लेना, वो क्यू के बराबर होगा, लेकिन क्यू डिस्चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, इसलिए बोला जाता है कि दो स्ट्रीम लाइन के बीच होने वाला डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। अब डिस्चार्ज कह दो या डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कह दो, भाई डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ भी कांस्टेंट होगा, है ना? ठीक है, तो स्ट्रीम प्रोविन हो चुकी है, ये हो चुकी है। अब हम लोग पॉइंट की ओर आ जाते हैं, तो ध्यान देना, अब पॉइंट आपको समझाना शुरू करते हैं। तो ऊपर की हेडिंग लिखी हुई कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, आपको क्या बातें हम बताने जा रहे हैं इन पॉइंट से रिलेटेड। अब मेन पॉइंट फोकस हमारे पॉइंट पे करेंगे क्योंकि वही चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट, ये फोकस करेंगे पॉइंट पे, ठीक है, चाहे थोड़ा सा और नीचे चढ़ दे, चलिए। हाँ, तो पहली लाइन क्या लिखी हुई है, दो स्ट्रीम लाइन आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, बिल्कुल। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि दो स्ट्रीम लाइन कभी आपस में दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि कट करेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचेगी जिससे दो वेलोसिटी डायरेक्शन आ जाएगी और कोई एक पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रीम लाइन अगर ऐसी है तो इसके जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। परपेंडिकुलर मतलब दिस डायरेक्शन में वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू जीरो, वही बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होता है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट सुनिए, दो स्ट्रीम लाइन के बीच होने वाला डिस्चार्ज ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, दो स्ट्रीम लाइन के बीच होने वाला डिस्चार्ज ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है। हालांकि अगर और अच्छे से लिखा होता कि दो स्ट्रीम लाइन के बीच होने वाला डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कांस्टेंट होता तो और अच्छा रहता, कोई बात नहीं, सही है, उसको भी मान लेते हैं। होता कितना है, तो आप कहोगे q बराबर होता है मॉड ऑफ साइन वन माइनस साइन टू, ये भी आपको याद रखना है, फॉर्मूला है, ठीक है। आगे देखिएगा स्ट्रीम ट्यूब, अच्छा ये बाद में समझाते हैं, पहले मैं पांचवा छठवा और सातवां पॉइंट चला रहा हूं। 1D फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, 2D फ्लो के लिए एक प्लेनर कर्व होती है, 3D फ्लो के लिए एक स्पेस कर्व होती है। ये जैसे आया मैं आपको बताता हूँ, तो बताया कि इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रीम लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, उसकी इक्वेशन आई थी dx अपॉन यू इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन सॉरी डी जेड अपॉन डब्ल्यू। एक्स वाई जेड मेरे पैरामीटर्स हैं और यू वी डब्ल्यू वेलोसिटी है इन एक्स इन वाई इन जेड डायरेक्शन। तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास 3D फ्लो होगा तो ये तीनों चीजें आएंगी, तीनों चीजें आएंगी तो एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा। तो जब जिसमें एक्स वाई जेड तीनों चीजें आती है तो वो मेरा स्पेस टर्व होता है ना, स्पेस टर्व, इसलिए लिखा है कि 3D फ्लो में स्ट्रीम लाइन एक स्पेस टर्व आएगी, तीन पैरामीटर्स आएंगे, है ना। अच्छा, अगर 2D फ्लो होता 3D हो चुका है, अगर ये 2D होता तो 2D होता तो सर ये जेड ना होता, 2D होता तो जेड ना होता, केवल एक्स और वाई होता। तो एक्स वाई वाला जो कर्व होता है वो प्लेनर कर्व होता है, प्लेनर कर्व जैसे कि सर्कल, सर्कल एक प्लेनर कर्व है, जबकि जो आपका आपका साइक्लॉइड होता है या गोला कह दीजिए, आपका स्फीयर कह दीजिए, साइक्लॉइड भी होता है, तो वो हमारे 3D कर्व में आते हैं ना। तो 3D कर्व को बोलते हैं स्पेस कर्व, और 2D कर्व को बोलते हैं हम लोग प्लेनर कर्व, ठीक है, एक्स वाई दोनों। और बाय द वे ये 1D होता तो 1D होता तो dx बटे u बराबर एक कांस्टेंट होता, तो dx बटे u बराबर कांस्टेंट होता तो वो मेरी एक स्ट्रेट लाइन मिलती, लेकिन वो जो स्ट्रेट लाइन मिलती वो कह सकते हो कि केवल एक पैरामीटर वाली स्ट्रेट लाइन मिलती, ये भी बात है। स्ट्रेट लाइन हालांकि एक प्लेनर कर्व होता है, यानी x और y दोनों ढेरे रहता है, लेकिन वो वैसी स्ट्रेट लाइन मिलती जिसमें हमारा x कह सकते हो कांस्टेंट होता, यानी केवल एक पैरामीटर पे। इसीलिए लिखा हुआ है कि 1D फ्लो में स्ट्रीम लाइन एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, 2D में प्लेनर कर्व, 3D में स्पेस कर्व, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए ये पॉइंट आपको इस इक्वेशन से समझ में आ रहे होंगे। अब ये चौथा पॉइंट छूटा हुआ है, उसको भी सुनिए। चौथा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि स्ट्रीम ट्यूब स्ट्रीम लाइन से बनी एक काल्पनिक ट्यूब होती है जिसके अंदर डिस्चार्ज का जो मान होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। ये स्ट्रीम ट्यूब का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग आगे चल के पढ़ोगे जब आपको
फोर्स ऑन सबमर्ज बॉडी पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको फिर से मिलेगा, तो वहां आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल ये कि जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई स्ट्रीम ट्यूब है, तो स्ट्रीम ट्यूब एक ऐसी इमेजिनरी ट्यूब होती है, और ये ऐसी इमेजिनरी ट्यूब होती है जिसकी जो बाउंड्री होगी, ये सब बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री, तो ये पूरी बाउंड्री हमारी स्ट्रीम लाइन से बनी होगी। तो ये पूरी बाउंड्री बनी होती है किससे? स्ट्रीम लाइन से। ठीक है, तो स्ट्रीम ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसकी पूरी बाउंड्री स्ट्रीम लाइन से बनी होगी, और इसके अंदर जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है वो हमारा कांस्टेंट हो रहा है, ये काल्पनिक ट्यूब है। ठीक है, तो तुम्हारे एग्जाम में बस इतना पूछा जाता है कि स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है, और ये जो लाइन मैंने बोली विच इज बाउंडेड बाई स्ट्रीम लाइन, यानी जो स्ट्रीम लाइन से घिरी हुई होती है, बाउंडेड होती है, तो ये डेफिनेशन आपको पढ़ने को मिलती है, और जिसके अंदर होने वाला डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो स्ट्रीम लाइन के बारे में मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताएं, ये आगे चल के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बीच में एक ये स्ट्रीम फंक्शन साइंट और कॉन्सेप्ट आ गया था, तो साइंट और कॉन्सेप्ट जो लोग पहले से पढ़े हैं तो वो तो समझ रहे होंगे, और जो लोग नहीं पढ़े तो एक बार जब आप साइंट पढ़ लोगे तो आपको ये फिर टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन्स की बात करते हैं। अगली लाइन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाथ लाइन। पाथ का पहले हिंदी में रास्ता मतलब क्या होता है? तो रास्ता, तो कह सकते हो कि पाथ का हिंदी में मतलब होता है रास्ता, किस रास्ते पर आप चल रहे हो ना। तो चलिए फिर पाथ लाइन को समझते हैं जरा। जैसे कि मैंने कह दिया मेरे पास टाइम टी इक्वल टू जीरो पर कोई फ्लूड पार्टिकल पॉइंट ए पर था, टाइम टी इक्वल टू वन सेकेंड पर वो बी पर पहुंच गया, टाइम टी इक्वल टू टू सेकेंड पर वो सी पर पहुंच गया, टाइम टी इक्वल टू थ्री सेकेंड पर वो डी पर पहुंच गया। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे वो फ्लूड पार्टिकल जगह जगह पे चलता चला जा रहा है। तो इन सारे पॉइंटों को मिला दीजिए, और मिला देने के बाद जो आपका एक कर्व ड्रॉ होता है बस यही कर्व ही मेरा पाथ लाइन कहलाता है, ठीक है। तो पाथ लाइन को और अच्छे समझना है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे भी मान लीजिए जनरल में एक शेर जा रहा है, ध्यान से सुनना, और उस शेर के जो पंजे होते हैं वो मान लीजिए गीली मिट्टी पर जा रहा है, तो शेर के जो पंजों के निशान होंगे वो आपको बता जरूर देंगे कि शेर इस रास्ते से गया है, ऐसे ऐसे गया है, बता देंगे ना। तो जो पंजों के निशान से एक लाइन ड्रॉ हो गई, एक कर्व बन गया, वही मेरा पाथ लाइन है। पाथ लाइन इस बात को बताता है कि यह फ्लूड पार्टिकल किस समय पे कहां था, टाइम टी इक्वल टू दो सेकेंड पे कहा था, पांच सेकेंड पे क्या था, वो जो लाइन बनेगी वो पाथ लाइन। और एग्जांपल सुनिए, जैसे भी मान लीजिए आप अपने पैरों में किसी तरह का कलर, रेड कलर या ब्लू कलर लगा लीजिए, फिर आप जहां जहां जाओगे रास्ता बन जाएगा ना, तो वही जो रास्ता बन गया उससे जो लाइन ड्रॉ हो गई वही मेरी पाथ लाइन है। ठीक है, चलिए इतना एग्जाम्पल सा काफी है। तो पाथ लाइन मैं आपको समझाता हूं, अब पाथ लाइन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, समझ में तो आ गया क्या होती है, डेफिनेशन सुनिए। तो पाथ लाइन एक ऐसी रियल लाइन होती है, पहली बात तो इमेजिनरी नहीं होती, रियल होती है, दिखती है आपको। तो पाथ लाइन एक ऐसी रियल लाइन होती है, ये रियल लाइन होती है जो किसी एक फ्लूड पार्टिकल की पोजीशन, अलग अलग समय में बताती है। ठीक है, फिर सुनना और लिख लीजिएगा, यही डेफिनेशन भी है कि पाथ लाइन एक ऐसी रियल लाइन है जो किसी एक फ्लूड पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग समय में बताती है, उस लाइन को पाथ लाइन कहते हैं। ना ठीक है, इस बात को ठीक है, एक बात ध्यान रखना, पाथ लाइन पोजीशन जो बताएगी वो एक ही फ्लूड पार्टिकल की बताएगी, अलग अलग फ्लूड पार्टिकल की नहीं बताएगी, एक ही फ्लूड पार्टिकल की बताएगी, परंतु अलग अलग समय पे। आप 10 सेकंड में पूछेंगे पता चलेगा आपको 10 सेकंड में कहां था, आप 5 सेकंड में पूछेंगे पता चलेगा। तो एक फ्लूड पार्टिकल की पोजीशन बताएगी लेकिन अलग अलग समय बताएगी, बस उस लाइन को हम लोग बोलते हैं पाथ लाइन। ठीक है, चलिए तो ये पाथ लाइन के बारे में हो गया।
कुछ बातें हैं पाथ लाइन के बारे में, सुन लीजिए पाथ लाइन के बारे में क्या बातें हैं। पाथ लाइन के बारे में पहली पॉइंट है कि पाथ लाइन एक रियल लाइन होती है। मैंने अभी बताया कि पाथ लाइन तो दिखती है ना भाई सबको, कहां है, तो ये रियल लाइन है। और जबकि स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, तो ध्यान रखना स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जबकि पाथ लाइन एक रियल लाइन होती है। दूसरा पॉइंट, पाथ लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर भी सकती है, बिल्कुल कर सकती है। हो सकता है कि जिस रास्ते से शेर पहले गया हो, घूम फिर कर फिर से उसी रास्ते से चलने चला आया हो। अरे बोलिए, नहीं हो सकता क्या ऐसा? हो सकता है। इसीलिए पाथ लाइन एक दूसरे को आपस में कट कर सकती है और स्वयं को भी कट कर सकती है। मतलब पाथ लाइन, दो पाथ लाइन एक दूसरे को कट भी कर सकती है और एक पाथ लाइन स्वयं को भी कट कर सकती है, ये भी सुन लेना है। जबकि जो स्ट्रीम लाइन होती है वो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। ध्यान रखना है, स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, लेकिन जो पाथ लाइन होती है वो कट करती है। ठीक है, तो इस पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन के बारे में ये जो दो इंपॉर्टेंट अंतर है, ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि पाथ लाइन एक मेरी रियल लाइन है जबकि स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। पाथ लाइन आपस में या किसी दूसरी पाथ लाइन को कट कर सकती है, लेकिन स्ट्रीम लाइन कभी आपस में कट नहीं करती। चलिए सर, नेक्स्ट आइडिंग सुनिए। नेक्स्ट आइडिंग ये स्ट्रीट लाइन। मैंने अभी बताया कि इस लाइन का एक और नाम भी होता है, पहले ही बता दिया था। इसी लाइन को बोला जाता है फिलामेंट लाइन। ठीक है, ध्यान रखना, इस लाइन को बोलते हैं फिलामेंट लाइन। समझिए अब स्ट्रीट लाइन क्या होती है, बहुत ध्यान सुनना। जैसे भी मान लीजिए मेरे पास एक ये नोजल है, ये हमारा क्या है, नोजल। ठीक, इस नोजल से ढेर सारे पार्टिकल निकलना चाहते हैं, एक नोजल से ढेर सारे पार्टिकल निकलना चाहते हैं, ये वो ढेर सारे पार्टिकल है, लेकिन अभी निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि अभी नोजल आपने स्टार्ट नहीं किया, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर आपने इसको स्टार्ट किया। तो आप जैसे ही टाइम टी इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट करोगे तो ये पार्टिकल इधर उधर भागे, निकलना शुरू करेंगे। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो कोई फ्लूड पार्टिकल यहां था, कोई यहां था, कोई यहां तक पहुंच गया था, कोई यहां 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 पहुंच गया था। लेकिन ये सब जो पहुंचे वो एक सेकेंड बाद पहुंचे, यानी एक सेकेंड में हर अपना पोजिशन इन्होंने सेट कर ली। तो देखो यहां पर मान लो 10 फ्लूड पार्टिकल थे, और 10 नहीं थे, 6 4 4 10। ठीक है, मैं भी यहां 10 ही बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 10 हो गया, 10 कितने हुए, 3 2 5, 5 3 8 ही हुआ अभी। ठीक है, ये मैंने 10 बना दिया। ठीक, तो आप कह सकते हो कि 10 फ्लूड पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर नोजल के सिरे पे थे, लेकिन जैसे ही आपने नोजल स्टार्ट किया और टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड पे देखा तो अलग अलग फ्लूड पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे पहुंच चुके, लेकिन आपने टी इक्वल टू 1 सेकंड पर इनको स्टॉप कर दीजिए, इनको फ्रीज करा दीजिए। तो जैसे ही फ्रीज करा दोगे तो आप कह सकते हो कि इन फ्रीज करने के बाद इन सारे पॉइंटों को आपस में मिलाने वाली जो लाइन होगी, इन सारे पॉइंटों को आपस में मिलाने वाली जो लाइन होगी, तो बस ये जो लाइन कहलाती है, ये लाइन कहलाती है तुम्हारी स्ट्रीट लाइन। ये लाइन कहलाती है स्ट्रीट। सर क्या अंतर हुआ पाथ लाइन और स्ट्रीट लाइन में? मैं एक बार वो अंतर जरूर आपको बताना चाहूंगा, पाथ लाइन और स्ट्रीट लाइन में क्या अंतर हुआ, सुनिए। अब यहां पर पाथ लाइन और स्ट्रीट लाइन में क्या अंतर हुआ? देखिए भाई, जो पाथ लाइन थी वो एक फ्लूट पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग समय में बताती है। पाथ लाइन एक फ्लूट पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग समय में बताएगी, लेकिन जो स्ट्रीट लाइन होती है वो कई फ्लूट पार्टिकल की पोजीशन, कई फ्लूट पार्टिकल की पोजीशन एक निश्चित समय बाद ही बताएगी। कई फ्लूट पार्टिकल की पोजीशन एक निश्चित समय बाद ही बताएगी, देख लीजिए। तो ये बेसिक अंतर होता है पाथ लाइन और स्ट्रीट लाइन में। सबसे पहले पाथ लाइन में हमेशा जो बात की जाएगी वो सिंगल पार्टिकल की जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, सिंगल पार्टिकल की जाएगी। और जब भी अगर स्ट्रीट लाइन की बात करते हैं कि स्ट्रीट लाइन में क्या हो रहा, तो यहां जो बात की जाएगी वो मैनी पार्टिकल की जाएगी, कई पार्टिकल की जाएगी। ठीक है, सिंगल पार्टिकल की बात की जाएगी, परंतु यहां जो बात होगी वो डिफरेंट टाइम में भी हो सकती है, डिफरेंट टाइम में, लेकिन यहां पर जो बात होगी वो तुम्हारे फिक्स टाइम में हो सकती, एक निश्चित टाइम में होगी, फिक्स टाइम में। बस फिर
दोनों को अंतर को मैं एक बार फिर बोलता हूं और सुनिए बड़े ध्यान से। पाथ लाइन एक ऐसी रियल लाइन होती है जो एक फ्लूड पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग समय बताएगी। स्ट्रीट लाइन एक ऐसी रियल लाइन होती है जो कई फ्लूड पार्टिकल की पोजीशन एक निश्चित समय बाद ही बताएगी, एक निश्चित समय बाद ही बताएगी। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रीट लाइन। अंतर सुन लीजिए, कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है कि बताइए ये पाथ लाइन का एग्जाम्पल है कि स्ट्रीट लाइन का, तो मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे कि बहुत ध्यान से सुनना, पहला एग्जाम्पल होता है सिगरेट से उठने वाला धुआं, सिगरेट का धुआं। दूसरा एग्जाम्पल होता है चिमनी से उठने वाला धुआं, चिमनी का धुआं। तीसरा एग्जाम्पल होता है लेमिनार फ्लो में, लेमिनार फ्लो में, लेमिनार फ्लो में ड्रॉप डालने पर, ड्रॉप क्या कह दीजिए, कलर ड्रॉप कह दीजिए, कलर ड्रॉप डालने पर, डालने पर विजिबल लाइन, विजिबल लाइन का मतलब दिखाई देने वाली लाइन, विजिबल लाइन। ठीक है, आपको एक बात पता होगी कि जो पानी होता है ना, पानी उसमें आप काला रंग डाल दो तो काला हो जाएगा, नीला डाल दो तो नीला हो जाएगा, है ना। तो पानी में आप कोई भी कलर डाल दीजिए वो ले ले रहा। तो लेमिनार फ्लो का मतलब ये होता है कि आपका लेयर ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो लेमिनार फ्लो में जब आप एक कलर ड्रॉप डालते हो ना, तो वो मिलती नहीं है पूरे पानी में, एक कह सकते हो कि वो कलर जो है आपको एक विजिबल लाइन में दिखाई देने लगती है। कैसे भी दिखाई देती है मैं आपको बताऊं। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये रहा मेरा पानी की, पानी का फ्लो, ये रहा पानी का फ्लो, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये लेमिनार फ्लो है, तो जैसे ही आप एक कलर ड्रॉप डालोगे ना, तो ये विजिबल लाइन बस आपको दिखाई देगी, ये लाइन पूरा फ्लो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि मिक्सिंग लेमिनार में होती नहीं है, ये बात पहले ही बता चुके हैं, मिक्सिंग लेमिनार में नहीं होती, टर्बुलेंट में होती है ना। तो देखो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल, सिगरेट से उठने वाला धुआं, चिमनी से उठने वाला धुआं, लेमिनार फ्लो में कलर ड्रॉप डालने पर विजिबल लाइन, ये तीनों एग्जाम्पल पाथ लाइन के भी हो सकते हैं, ये तीनों एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइन के भी हो सकते हैं। परंतु बस लैंग्वेज पढ़ते समय एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है, अगर वहां सिंगल पार्टिकल लिखा हो तो आंसर लगा देना पाथ लाइन, सिंगल पार्टिकल लिखा हो तो पाथ लाइन, और सिंगल पार्टिकल ना लिखा हो, पूरे धुएं की बात की जा रही है, पूरे धुएं की बात की जा रही है, तो आपको यानी मैनी पार्टिकल हो गया, तो जो आंसर लगाना है आपको वो लगाना स्ट्रीट लाइन। ठीक है, जैसे कि आप सिगरेट का उठने वाला धुआं देखिए, पीते जब आप लोग सिगरेट, तो सिगरेट जब पीने के बाद आप देखिए सिगरेट का धुआं कुछ ऊंचाई तक आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक साथ उस पार्टिकल को भी देख सकते हो जो निटल के सबसे ऊपर पहुंच गया, और उस पार्टिकल को भी देख सकते हो जो निटलने वाला है, तो सबको एक साथ दिखाई जा सकता है ना, तो इसका मतलब कंफर्म ये मेरी स्ट्रीट लाइन है। लेकिन यहीं पर बात बोल दी जाती है सिंगल पार्टिकल की, तो जब भी कभी सिंगल पार्टिकल लिखा होगा तब आपको वही आंसर देना है पाथ लाइन में, और जब भी कभी पूरे धुएं की बात की जा रही होगी, पूरे धुएं की, पूरे फ्लेम की बात की जा रही होगी, तो आंसर देना है आपको स्ट्रीट लाइन। ठीक, तो ये बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, गलतियां मत कर देना। सिंगल पार्टिकल ढूंढना तो पाथ लाइन, और पूरे धुएं की बात की जा रही है तो स्ट्रीट लाइन। चलिए, इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट और भी है, वो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ ये पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है, ये पॉइंट आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखा हुआ है कि जब भी कभी स्टडी फ्लो होगा तो तीनों लाइंस आइडेंटिकल होती है। मतलब ये है कि यदि हमारा स्टडी फ्लो का केस आ गया, स्टडी फ्लो समझते हो गए कि फ्लूड पैरामीटर कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लूड पैरामीटर कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्टडी फ्लो, डिटेल में बताया आपको। तो स्टडी फ्लो के टेस्ट में तीनों लाइंस आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब तीनों लाइनें सेम होती हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक, इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं, इस बात को भी यहीं पर ही नोट करेंगे, जब भी कभी कोई भी फ्लो तुम्हारा है स्टडी और प्लस इरोटेशनल भी होगा, मतलब स्टडी के साथ साथ इरोटेशनल भी है, यानी स्टडी भी है और इरोटेशनल भी है, तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है पोटेंशियल फ्लो, तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है पोटेंशियल फ्लो, ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी फ्लो स्टडी के साथ साथ
इरोटेशनल भी है, तो ऐसा फ्लो मेरा पोटेंशियल फ्लो कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो यहां से हमने लाइंस पढ़ लिए हैं, फ्लो हो चुका है। तो देखिए हम लोग के पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हालांकि फ्लूड काइनेमेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग मानी जाती है, क्योंकि बिना डिस्चार्ज के आप लोग और भी पैरामीटर को नहीं समझ सकते, है ना। तो क्या होता है डिस्चार्ज, मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, फिर इसको बताता हूं कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो एक्चुअली में जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, ध्यान दीजिए भाई सब लोग, वॉल्यूम फ्लो रेट, तो वॉल्यूम फ्लो रेट को ही हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक, अच्छा वॉल्यूम फ्लो रेट को अगर डिस्चार्ज कहते हैं तो क्या मतलब हुआ डिस्चार्ज का? तो वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब यह है कि एक सेकेंड में जितना भी आयतन गुजरेगा, एक सेकेंड में जितना भी डिस्चार्ज, जितना भी आयतन गुजरेगा, बस उसी को डिस्चार्ज या वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं ना। तो डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, तो क्यू हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम, और फ्लो रेट बनाना है तो आप कह सकते हो कि नीचे हो जाएगा रेट मतलब टाइम। क्लियर है? तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक सेकेंड में किसी सेक्शन से, पाइप के किसी सेक्शन से एक सेकेंड में जितना पानी का आयतन, जितना द्रव का आयतन गुजरेगा, बस उसी को डिस्चार्ज कहते हैं। कुल मिला के आप इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी कह सकते, बहुत ही छोटी सी बात है। आपका मास फ्लो रेट नहीं है, अगर ये मास फ्लो रेट होता तो ऊपर होता एम, मास अपॉन टाइम होता ना, ये मास फ्लो रेट नहीं है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज एक्चुअली में है वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा वॉल्यूम फ्लो रेट डिस्चार्ज है, तो मेरे भाई ये बताओ, अगर ऊपर वॉल्यूम का मात्रक बनाया जाए तो वॉल्यूम का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, और टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो इसका जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। अच्छा मीटर क्यूब पर सेकेंड भी हो सकता है, और इसका एक और मात्रक हो सकता है लीटर पर सेकेंड। भाई आयतन का मात्रक तो लीटर भी होता है ना, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड भी आपको बहुत देखने को मिलेगा, और लीटर पर सेकेंड भी मिलेगा देखने को। लेकिन आप सबको पता है कि जब हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वहां मीटर में, मीटर ट्यूब पर सेकेंड में रखना पड़ेगा आपको डिस्चार्ज। तो कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। 1 मीटर ट्यूब बराबर होता है 10^3 लीटर, मतलब 1 मीटर ट्यूब में 10^3 लीटर होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक, चलिए, तो डिस्चार्ज का पहला फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। लेकिन इसका इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो इसका अच्छा एप्लीकेशन है वो मैं फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूं। 18 मिनट ले रहेगा, देखिएगा ध्यान से, टाइम के साथ। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये कोई पाइप है, और ये मैंने पाइप यूनिफॉर्म डायमीटर का मान रखा है, यूनिफॉर्म डायमीटर का। ठीक है, और पाइप का मैं कह देता हूं कि ये एक सेक्शन है जिसको मैंने सेक्शन नंबर 1 कह दिया, ये मेरा सेक्शन नंबर 1 है। ठीक है, और ऐसा कह देते हैं कि इस पाइपलाइन पे जो भी द्रव फैल रहा है वो लेफ्ट से राइट की ओर बह रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर बह रहा है। तो लेफ्ट पर जो लिक्विड था उसकी जो वेलोसिटी थी वो मान लीजिए v है, तो यहां पर सेक्शन 1 पे लिक्विड की वेलोसिटी को मैंने v कह दिया। ठीक, अच्छा इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को स्मॉल a कह दिया। अब एरिया स्मॉल ए है, अगर एरिया नहीं पता तो बड़े आराम से आप लोग पाई बाई 4 स्मॉल डी स्क्वायर की मदद से एरिया निकाला जा सकता है। ठीक है, अच्छा डिस्चार्ज की डेफिनेशन क्या थी? डिस्चार्ज डेफिनेशन ये थी कि एक सेकेंड में जितना आयतन गुजर जाए किसी सेक्शन से एक सेकेंड में जितना आयतन गुजर जाए वो डिस्चार्ज है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, ये सेक्शन नंबर वन है, तो मैं एक काम करता हूं कि इस सेक्शन पे टाइम इक्वल टू 0 पर पानी को आगे बढ़ने की परमिशन देता हूं। कहता हूं कि टाइम इक्वल टू 0 पर अब ये जितना भी लिक्विड है आगे बढ़ता जा रहा है, यानी टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे जैसे ही मैंने ये ढक्कन खोला यहां से तो पानी आगे बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही टाइम 1 सेकेंड हो जाता है, टाइम कितना हो जाता है 1 सेकेंड हो जाता है, पूरा 1 सेकेंड, तो पूरे 1 सेकेंड बाद मैंने इस ढक्कन को यहां से भी बंद कर लिया और यहां से भी बंद कर दिया। ठीक है, या फिर आप समझिए कि यहीं से बंद कर दिया। तो देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे सेक्शन नंबर 1 पर मैंने गेट को खोला
और टाइम टी इक्वल टू जीरो पर डेट को खोला और टाइम टी इक्वल टू वन सेकेंड पर यहाँ पर डेट को बंद कर दिया। और पाइप यूनिफॉर्म है, पाइप एक समान एरिएटा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, यहाँ भी वेलोसिटी वी रहेगी, यहाँ भी वेलोसिटी वी रहेगी। ठीक, बस इतना ध्यान रखना, ये जो मैंने वी वेलोसिटी ली है ना भाई साहब, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लो की स्टडी को आसान बनाने के लिए वैसे होता क्या है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेलोसिटी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, लेकिन फ्लो को स्टडी को आसान बनाने के लिए यहां से लेकर यहां तक मुझे एक एवरेज वेलोसिटी माननी पड़ती है, और एवरेज मान लेना ही 1D फ्लो कहलाता है, वन डायमेंशनल फ्लो कहलाता है ना। तो मैंने क्या काम किया कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ढक्कन खोला, पानी ने आगे बढ़ना शुरू किया, टाइम टी इक्वल टू वन सेकेंड पे पानी यहां से लेकर यहां तक बढ़ गया। तो मैं आपसे पूछूं कितना आयतन पानी आगे बढ़ा, कितना आयतन पानी आगे बढ़ा, तो आप कहोगे कि सर इतना आयतन पानी आगे बढ़ा, इतना आयतन पानी आगे बढ़ा, बिल्कुल सही बात है, इतना ही आयतन पानी बढ़ा। तो बस फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दूंगा और देखिएगा इस तरह से रिजल्ट निकलेगा, इतने आयतन पानी आगे, इसको हटा देते, इसका कोई यूज नहीं। वैसे आपको ये बात पता भी है कि 1 मीटर ट्यूब बराबर 10^3 लीटर होता है। ठीक है, इधर आते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बराबर होता है ऊपर वैल्यूम, कितना वैल्यूम आगे बढ़ा। तो मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक इतना आयतन पानी आगे बढ़ा, तो ये रहा एरिया, ये क्या रहा एरिया। तो आयतन का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ, तो यहां से लेकर यहां तक की मुझे लेंथ पता होनी चाहिए, बिना लेंथ के काम नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, टाइम मेरा 0 से लेकर 8 सेकेंड है, 8 सेकेंड है, तो एक बात बताओ, चाल वी दी रही है, चाल कितनी दी रही है वी, तो चाल बराबर होता है दूरी डिवाइड बाय समय, ये बात सबको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। लेकिन अगर तुम्हारा समय 8 सेकेंड हो जाए, समय कितना हो जाए 8 सेकेंड, समय 8 सेकेंड हो जाए, तो ये बताइए अगर ये टाइम तुम्हारा 1 सेकेंड हो जाता है, तो जो तुम्हारी चाल होगी और जो दूरी होगी वो बराबर ही तो हो जाएगी। टाइम 1 सेकेंड हो जाता है तो चाल और दूरी बराबर हो जाएगी, ये बात सबको पता है ना। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय करूंगा। तो 1 सेकेंड में देखो दूरी उतनी ही आ रही जितनी मैंने चाल बताई थी, तो 1 सेकेंड के लिए चाल और दूरी आपस में बराबर होती है, ये बात आप सबको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का ज्यादातर जगह यूज पड़ेगा, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक 8 सेकेंड लगा, तो 8 सेकेंड के लिए जो दूरी है वो उतनी होगी जितनी चाल, चाल कितनी है v, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये भी कितनी हो जाएगी v। इतनी बात अगर समझ में आ रही हो तो बड़े आराम से देख सकते, डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कितना सर आयतन आगे बढ़ा, आयतन, तो आयतन का हो गया एरिया, एरिया इंटू दूरी, दूरी है v, तो एरिया इंटू दूरी, और प्रति सेकेंड टाइम कितना है लगा 8 सेकेंड, तो टाइम मैंने 8 सेकेंड ले लिया। ठीक है, तो बड़े आराम से बताया जा सकता है कि सर यहां जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला आ गया वो एरिया इंटू वेलोसिटी आ गया। तो ध्यान रखना डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला हो गया वो एरिया इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि पाइप का आपको डायमीटर भी पता रहता है, वेलोसिटी भी पता रहती है, हम लोग डिस्चार्ज बता सकते हैं ना। और अगर देखा जाए तो एरिया का मात्रा होता है मीटर स्क्वायर, और वैल्यू ये वी वेलोसिटी है, ध्यान रखना, तो वेलोसिटी का मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका मात्रा भी वही सेम बनेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने डिस्चार्ज के बारे में जो छोटी छोटी बातें थी, बहुत छोटी छोटी बारीक बातें, वो आपको बताई है कि वैल्यूम फ्लो रेट डिस्चार्ज कहलाता है, और एरिया इंटू वेलोसिटी कर दो तब भी डिस्चार्ज पता चल जाता है। और यहां मैंने एक छोटी सी बात बताई कि जब टाइम 1 सेकेंड हो तो चली रही दूरी और चाल आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है, और यहां ध्यान रखना ये जो वेलोसिटी ली जाती है, हमेशा ध्यान रखना यहां ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है, ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती। डिस्चार्ज निकालने के लिए किसी सेक्शन में ये कौन सी वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की ओर आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट वो ले लीजिएगा, जो डेफिनेशन शुरुआत में बताए उनको नोट कर लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसको हिंदी में हम लोग अविरतता का सिद्धांत भी कहते हैं, अविरतता का सिद्धांत, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, समझिए जरा क्या होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ज्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक ये पाइपलाइन है,
ये मेरी पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन पे मैं कुछ सेक्शन मान लेता हूँ। लेट से दिस सेक्शन इज 1-1 सेक्शन और दिस सेक्शन इज 2-2 सेक्शन, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि इस सेक्शन से यानी 1 सेक्शन से 2 सेक्शन की ओर फ्लो हो रहा है, फ्लो का जो डायरेक्शन है वो 1 से 2 की ओर है 1 सेक्शन। तो मैं काम करता हूं कि इस 1 सेक्शन के एरिया को A1 कह देता हूं और 2 सेक्शन के एरिया को A2 कह देता हूं, ठीक। इस 1 सेक्शन की वेलोसिटी को V1 कह देता हूं, 2 सेक्शन की वेलोसिटी को V2 कह देता हूं और इस 1 सेक्शन पे जो भी फ्लूड है, अब मैं बात यहां देखो फ्लूड बोल रहा हूं, लिक्विड नहीं बोल रहा, जो भी फ्लूड है, फ्लूड में मेरी गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है, इसलिए मैं फ्लूड वर्ड यूज कर रहा हूं। तो उसकी डेंसिटी रो वन है यहां पर और ये डेंसिटी रो टू है 2-2 सेक्शन पे। हाँ, अगर ये लिक्विड होता तो रो वन रो टू हमारे सेम होते, लेकिन अगर कोई फ्लूड है, गैस है, तो रो वन रो टू अलग भी हो सकते हैं ना। तो पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ जो क्वांटिटी है वो लिक्विड के हिसाब से समझा दूं, लिक्विड के हिसाब से समझा दूं, फिर गैस के हिसाब से भी समझ लेंगे, है ना। तो लिक्विड के हिसाब से इक्वेशन ऑफ जो क्वांटिटी होती है वो ये होती है कि किसी भी पाइप के किसी भी सेक्शन पर, पाइप के एरिया और वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है वो कांस्टेंट होता है। पाइप के किसी भी सेक्शन पर पाइप के एरिया और वेलोसिटी का गुणनफल कांस्टेंट होता है। ये मैं बात लिक्विड की है कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट। तो आप लोग गुणनफल यदि कांस्टेंट है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि पाइप के किसी सेक्शन पे एरिया को बढ़ा दिया जाए तो वहां पर वेलोसिटी घट जाएगी, एरिया बड़ा कर दिया जाए तो वेलोसिटी घट जाएगी और एरिया यदि घटा दिया जाए तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, दोनों बातें उल्टी है ना, ठीक है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल होता है, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है कि सर जितने गुना आप एरिया बढ़ाओगे, वेलोसिटी सर उतने गुना कम होगी, इश्योर है आप, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अगर इसमें 1-2 वाला फॉर्मूला बनाया जाए तो 1-2 वाला फॉर्मूला ये कहोगे कि सर पहले सेक्शन पे A1 V1 हो जाएगा हमारा एरिया और वेलोसिटी गुणनफल और दूसरे सेक्शन पे A2 V2 हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2, ये भी फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। चलिए इतना फॉर्मूला आ गया। कई बार हम लोग ये जो A1 A2 एरिया है इनको हम लोग डायमीटर के पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक बार बताओ, अगर डायमीटर के पदों में यहां कन्वर्ट किया जाए तो π/4 कट जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं d1² v1 बराबर d2² v2, क्लियर। तो इन फॉर्मूले के हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया मुझे तो बस एक ही तरीका आता है कि जितने गुना एरिया बढ़ेगा उतने गुना वेलोसिटी को घटा देता हूं, काम करता हूं, और जितने गुना एरिया घटेगा उतने गुना वेलोसिटी को बढ़ा देता हूं। बोलिए बात समझे। हाँ, अगर इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइप का जो एरिया है वो 10% बढ़ गया, पाइप का एरिया 10% बढ़ गया, तो बताओ जरा वेलोसिटी कितने परसेंट घट जाएगी। तो 10% नहीं घटेगी, ये ध्यान रखना। गुने में तो सही है कि 10 गुना हो गया अगर एरिया तो वेलोसिटी 10 गुना कम हो जाएगी, लेकिन परसेंटेज में नहीं है। मैं अभी आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी, है ना। चलिए उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता दूं इस पर। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये कोई पाइप है, कुछ इस तरह से ये कोई पाइप है, ठीक है, और इस पाइप पे मैं कई सारे सेक्शन ले लूं। जैसे कि मान लीजिए ये सेक्शन नंबर 1 हो गया, ये सेक्शन नंबर 2 हो गया, ये सेक्शन नंबर 3 हो गया और ये सेक्शन नंबर 4 हो गया, हो गया। मैं आपसे कहूं कि इस सेक्शन नंबर 1 पे वेलोसिटी v1 है, इस सेक्शन नंबर 2 पे वेलोसिटी v2 है, सेक्शन नंबर 3 पे v3 है और सेक्शन नंबर 4 पे v4 है। तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा फिर कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कौन सी वेलोसिटी कम होगी और कौन सबसे कम होगी। तो मैंने अभी बताया कि जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम, जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, देखते हैं। तो जहां एरिया कम हो गया वहां वेलोसिटी ज्यादा, तो एरिया बताइए सबसे कम कहां है, 4 पर है, तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होगी वो हमारी v4 होगी, उससे कम v3 होगी, उससे भी कम v2 होगी, उससे भी कम हमारी v1 होगी। ये कॉन्सेप्ट है बस इतना कि एरिया घटाते जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एरिया बढ़ाते जाओगे तो वेलोसिटी घटती जाएगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले मेरे सामने आए, ये फॉर्मूला आया a into v का गुणनफल, a1 v1 बराबर a2 v2, दिस फॉर्मूला है ना।
तो इन फॉर्मूले को मैं एक बार प्रूफ कर लूं, तो फिर मैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन की जो बात कर रहा था उस पर मैं आऊंगा, ठीक है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए मैंने यहां पर अपना डायग्राम बनाया हुआ था, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चाहो तो मैं इस बात को थोड़ा सा साइड में यहां लिख देता हूं ताकि वो डेरिवेशन भी कंडक्ट किया जा सके। V4, V3, V2 और यहां मेरा ये V1 है ना, ये बात सबको पता है, बहुत सारे लोग पता चल, ठीक है। आगे आइए, तो मैंने कहा कि इस वाले सिस्टम में मान लीजिए 1 से एंट्री होती है और 2 से एग्जिट होता है, और ये कोई फ्लूड है। फ्लूड का मतलब होता है कि ये लिक्विड भी, इट कैन बी लिक्विड एंड इट कैन बी गैस आल्सो है। तो A1 V1 और Rho1, A2 V2 और Rho2, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो मुझे करना बहुत सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा सिद्धांत ये है कि मुझे बस इतना करना है कि 1-1 सेक्शन पे मास फ्लो रेट, 2-2 सेक्शन पे मास फ्लो रेट, दोनों को बराबर करना है बस। अगर दोनों को बराबर कर दिया, अच्छा मास फ्लो रेट क्यों बराबर होगा, क्योंकि जितना पानी अंदर से जा रहा है उतना ही तो पानी 2 से बाहर निकल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पाइप 20 से कटा है, अगर 20 से कटा है कोई लीकेज हो रहा है या कोई पाइप की नई ब्रांच है बीच में, तभी तो पानी 20 से बाहर जा सकता है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जितना पानी फ्लूड का 1-1 से एंट्री करेगा जो भी फ्लूड, वो 2-2 से एग्जिट भी करेगा, इसलिए मास फ्लो रेट आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मास फ्लो रेट बराबर होता है, इसलिए कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी होती है वो किस नियम पे आधारित होती है, तो आधारित होती है मास कंजर्वेशन पे। तो ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी आधारित होती है मास कंजर्वेशन पे। तो मैं करने जा रहा हूं अब, बाई मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, तो मास कंजर्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि जो 1-1 सेक्शन है उस पर मास फ्लो रेट और 2-2 सेक्शन है उस पर मास फ्लो रेट बराबर कर दो। तो आप ऐसा कह सकते हैं मास फ्लो रेट इन 1 सेक्शन, मास फ्लो रेट इन 1 सेक्शन इक्वल टू मास फ्लो रेट इन 2 सेक्शन। तो मास फ्लो रेट इन 1 सेक्शन, मास फ्लो रेट इन 2 सेक्शन बराबर करना। अच्छा, मास फ्लो रेट का क्या मतलब हुआ, जैसे मास का क्या मतलब होता है, घनत्व गुणे आयतन, और आयतन मतलब होता है एरिया इनटू लेंथ। लेकिन भैया रेट लगा है, रेट लगा है, रेट का क्या मतलब होता है, रेट का मतलब होता है प्रति सेकेंड, रेट का मतलब होता है प्रति सेकेंड। तो मास फ्लो रेट इन 1 सेक्शन की बात हो रही है, तो मास मतलब हो गया डेंसिटी, मास मतलब हो गया डेंसिटी। तो 1 पे डेंसिटी कितनी थी, Rho1। मास मतलब डेंसिटी इनटू आयतन, और आयतन मतलब होता है एरिया, तो 1 पे एरिया था A1 था। लेकिन यहां पर हमें बात यहां पर रेट की करनी है और मास की बात हो रही है, तो एरिया इनटू लेंथ होता है,